हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज हम इसके अंदर रेडिएटर ग्रिल इंस्टॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले रेडिएटर ग्रिल इंस्टॉल करने के लिए हमको फटाफट से चार स्क्रू खोलना पड़ेगा। नीचे का डैश पैनल खोलना पड़ेगा। इसको फटाफट से खोलते हैं, प्लास्टिक का पैनल को। इसके फोर स्क्रूज हैं, इसको अनस्क्रू करते हैं। तो नीचे का हमारा जो पैनल था वो हमारा खुल चुका है। अब इसके लिए हमको यहाँ का साइड का पैनल भी उतारना पड़ेगा। इसके लिए एक ये नट है, यहाँ पर देख सकते हैं ये नट है, एक ये नट है, ये खोलना पड़ेगा। और एक ये नट है, ये चार नट, तीन नट है। और इसके बाद हमारे एक ये नट, ये तीन नट है। हमारे ये फाइनल नट उतर चुके हैं और यहाँ से ये फेरिंग इसको उतार देते हैं। और एक हमारे यहाँ पे ये नट खोलना पड़ेगा। इसके लिए हमको इस साइड सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक इस फेरिंग को उतारने के लिए ये यहाँ से ये आपका नट लगा हुआ है, यहाँ पे लॉक सिस्टम लगा हुआ है, ये लॉक उतारना पड़ेगा। अभी हमारी नीचे वाली फेरिंग खुल चुकी है। एक और स्क्रू खोलना पड़ेगा इसके लिए हमको। एक और स्क्रू, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है इसके नीचे, उसके नीचे लॉक है, उसको उतारते हैं। यहाँ पर हमको ये नट खोलना है, ये आप नट देख चुके हो, ये नट खोलना है। इसके अंदर ही हमारी रेडिएटर ग्रिल खोलेगी। सो इसके लिए आपको एक 10 mm की रिंग स्पैनर चाहिए इसको खोलने के लिए। ऊपर से भी खुल जाएगा आपका, जो खोलते हैं फटाफट से। ये बड़े लोग इसको ना बड़ा इग्नोर कर देते हैं, बड़ी काम की चीज होती है। मतलब कोई भी अगर मान लो आपका इससे अपने टायर से कोई भी छोटा सा स्टोन लग के आपके रेडिएटर पे लग जाता है और लीक हो जाता है, आपको बहुत बड़ी इश्यू हो जाती है, आपको इंश्योरेंस क्लेम कर देगा पड़ना पड़ेगा, बहुत महंगा होता है रेडिएटर। सो इसके लिए आपको ये 800-900 रुपए की चीज आती है, स्टेनलेस स्टील में लिया मैंने जान के। इसमें आयरन की भी आती है, मतलब नॉर्मल मेटल की, और SS की। मैंने SS के लिए ताकि कोई भी रस्ट वगैरह ना लगे, या मतलब जिसको जंग कहते हैं वो ना लगे। तो आप ये जूर लगा लें, मतलब 800-900, और अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपकी बाइक को ना एक हार्म करने से बचा सकती है। सो इसको इस पर देखो, हमारी रेडिएटर ग्रिल फिट हो चुकी है। अब इसको फटाफट से, जिसका हमने स्क्रू खोला था, इसको फट से टाइट कर देते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रेडिएटर ग्रिल हमारी फिट हो चुकी है। मैं यहाँ पे स्क्रूज लगा दी, इसको बटन से पैकअप कर दूंगा। मैं वैसे दिखा देता हूँ आपको कि मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज अपनी बाइक पे कोई भी 800-900 रुपए के चक्कर में इसको छोड़े ना, जब भी हो प्लीज लगवा लेना, जब भी हो आप। बाकी चीजें जैसे आपके लिए क्रैश गार्ड इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी बाइक की सेफ्टी के लिए। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे कि आपको यूजफुल लगती है कि नहीं लगती ये चीज़।